साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आयोग की तरफ से लेटर निकला कि सबको मीटिंग हो, कर्मचारियों की हित की बात करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई है, इसका पहली बात धन्यवाद करते हैं। साथियों, हम लड़ाई से बात कर रहे हैं यहाँ पे और लड़ाई लड़ते भी है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम लोग सफाई से हरण करते हैं। बहुत दुख की बात है साथियों, लड़ाई से किसके विरुद्ध लड़ी जाए। हमने बहुत धरने प्रदर्शन देखे हैं, मैं 96 से हड़ताल धरने प्रदर्शन देख रहा हूँ। कुछ नेता अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, कुछ नेता पार्टी की राजनीति करते हैं। बड़े दुख की बात है ये साथियों, और हमें अपने कर्तव्य भला कराना है तो सबसे पहले हमें निस्वार्थ भला कर निस्वार्थ लड़ाई लड़नी होगी। ये दिमाग से निकालना होगा कि हम लोग उस पार्टी है, उस पार्टी है। साथियों, हमने देखा है जो लोग अमेरिका बन जाते हैं, जो लोग आयोग में मेंबर बन जाते हैं, तो बाल विकास समाज सफाई करना चाहिए, छत पर रखकर हम देखे साथी। और दुख की बात है, मैंने एक उदाहरण को भी देखा है, एक प्रदर्शन को भी देखा है, ये याद आगे 2015 का कि हम एल जी यहाँ प्रदर्शन करते के दिवाली के खिलाफ। मैं उसको किसी उस नेता का नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो नेता और वही कर रहे थे और वो केजरीवाल की पुतले हो रहे थे। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि वहां केजरीवाल की पार्टी का प्रबंध आया तो उन्होंने पार्टी का पुतले छोड़ के मोदी का बना दिया। साथियों, ऐसे लोग जो सावधान रहना है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसी राजनीति ना करें। हमें अपने कर्मचारियों को भला कराना है तो हमें एक राजनीति पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। साथियों, अभी 12/9/2018 को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसकी अगुवाई दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर के मुख्य संरक्षक जब हमने 5 तारीख को वहां एक मीटिंग बुलाई गई, मैं आपको एक विस्तार बताना चाहता हूँ सर, 5 मिनट में वहां पर 5 तारीख मीटिंग बुलाई गई और इस तरह समिति से तय कर दिया गया कि जो हमारी मुख्य लड़ाई थी जो 1/4/1998 से 2000 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए, वो लड़ाई परिवर्तन ने मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। मेयर साहब का, नितिन ढाड़ी जी और स्पीकर चेयरमैन साहब का, उन्होंने बात मानी हमारी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उनकी पूरी टीम का। दूसरी जो हमारी बात थी वो ये थी कि जो हमारे 2003/4 झुके हुए हैं उनको लेने दिया जाए, उन्होंने उस पर भी सहमति बनी। उसको उन्होंने कहा कि आप बिल बनवाइए, हम बिल बनवा देते हैं, उसके बाद में कितना पैसा होगा, इकट्ठा पैसे देंगे, हम इसके बाद पैसे दे देंगे। जो तीसरी बात हमारी एम एल आई थी वो ये थी, जितने कर्मचारी हमारे हड़ताल में हैं किसी भी एक कर्मचारी का पैसा नहीं कटेगा, हम ये सहमति बनी। वहां पे कमिश्नर साहब, मेयर साहब, पूरी आरटी उनकी थी और ये तय किया गया कि दो दिन के बाद आपको बिलेटर पे चार दिन छुट्टी जाएंगे। वो शुक्रवार की बात थी, शनिवार संडे छुट्टी थी, उन्होंने कहा सोमवार को आपको 1/4/1998 के बाद बिलेटर चालू कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग उस कर्मचारी को भला हो जाता वो भला कराने में नहीं करा पाते। जब एक बात हो थी, आप सब पूरी करीब बैठी दिल्ली के सर्वोच्च बैठे हुए हैं, जब एक किसी यूनियन ने किसी भी एक नेता ने एक मांग डिमांड पूरी करा दी तो क्या उसमें दोबारा मांग डिमांड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब 5/7 का आदेश निकले कि 1/4/1998 तक के बाद सभी सतर्क, लेकिन दूसरे यूनियन के 9 तारीख का आदेश निकले उसमें साफ साफ कहा गया आदेश में कि जब 1/4 रिक्त स्थान होगा पैसे होंगे उसके योग्य होगा तो आज पक्का किया जाएगा। साथियों, क्या ये गलत थे, सही थे, पहले वोट सही थे या बाद में गलत थे? लेकिन उस नेता ने अपनी हक की लड़ाई ली। बड़े दुख की बात है, हमें अपने कर्मचारियों की लड़ाई चाहिए, हमें अपने कर्मचारियों जो 20 साल से जो 20-22 साल जो पक्के हैं छोटी लड़ाई। पहली बार दिल्ली में सर जी कड़ा साहब बैठे हैं, यहाँ पे चार साहब बैठे हैं, क्या पहली कहीं इतिहास में आपने भी इतने धरने प्रदर्शन करे हैं, कहीं आपको ऐसा कहीं वो मिला है कि ये हड़ताल खत्म कर दो और कैसे काम करेगा? लेकिन पहली बार दिल्ली के इतिहास में परमानंद सिंह जगवंत ने वो काम कर दिखाया है जो कोई सोच नहीं सकता।
था कि सोमवार को ऑफिस में बैठेंगे, संडे को कौन से साहब बैठे, दोनों डीसी बैठे कौन करा, तो सोमवार को एक चार मिनट जाने के बाद लेटर बैठे। लेकिन बड़े दुख के साथ उस कुल नेताओं ने, कुछ नेताओं ने कहा कि लेटर नकली है। ऐसे आते भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो लोग कानपुर से ले, वो अपनी जो हम करंसी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो करंसी की लड़ाई को ले और उनका साथ दे। जय हिंद, जय भारत।